हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका V008 पे। क्या हालचाल है आप सबके? भाई रात हम लोगों को आने में 12-12:30 के आसपास बज गए थे और खाना वाना खाते खूते लगभग 1 बज गया था। काफ़ी टाइम हो गया था, ठीक है। और बैटरी मैंने बताया था बिल्कुल लो हो गई थी, तो इसलिए मैं भैरव बाबा के आगे को शूट कर ही नहीं पाया और वो सेम रास्ते ही थे, अंधेरा वैसे ही हो गया था। बाकी अपना होटल ये है, ये आपने देख ही लिया था। हम लोग वैष्णो देवी आए थे, शिवखोड़ी गए थे, वो सब सीरीज है, आप सब लोग चेकआउट कर लेना। आज हम जा रहे हैं वापस और आज का हमारा प्रोग्राम है कि जम्मू घूमें और जम्मू के साथ साथ हम लोग अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखने जाएं। अब देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा और कोशिश तो मेरी है कि आज ही मेरठ चलें, लेकिन जैसा भी होगा वो पता लगेगा। बाकी सीरीज़ बताना आपको कैसी लगी, इससे पहले मनाली की भी है और उससे पहले कश्मीर की भी है, सब देखना आप लोग। क्या ऑर्डर कर दिया आज था, कहाँ आए हम? बहुत बड़ी डोसा इसका भाई, हाँ इसका डोसा खाने का मन था। सब डोसा ही खाए। हाँ आप भी, मम्मी तो फेवरेट है, मम्मी का तो डोसा। आपका क्या फेवरेट है पापा? नहीं, है पापा डोसा। भाई देख, वो डोसे पे ज़्यादा जा रही है, मसाले डोसे पे। आपको मसाला डोसा, पनीर डोसा? एक पनीर आपका फेवरेट पनीर एक पनीर। तो भैया देखते हैं क्या आता है, पनीर डोसा या मसाला डोसा, यहाँ से खा के फिर सीधे चलेंगे। भाई सागर रत्न की छोटी छोटी कटोरी, ठीक है। ये पनीर डोसा जो बिल्कुल प्लेन डोसा लग रहा है, वो मसाला डोसा वो भी देखने हैं, प्लेन डोसा लग रहा है। हाँ बताने में कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, मुझे हंसी आ रही है भाई धन्नो को रात यहाँ खड़ा करा था, दिखाया था आप लोगों को, अब निकालते हैं। ये पार्किंग है, शानकार पार्किंग, यहाँ 250 रुपये है चार्ज। ये इनका एक होटल भी है, वैश्विक होटल, इसका इसकी पार्किंग है ये, तो इसमें अगर कोई चाहता है रुकना तो रुक सकता है। 12:11 हो गए, 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से अब, क्योंकि अब हम लोग अमृतसर जाएंगे और जब तक भी पहुँचेंगे शाम ही हो जाएगी, यानी कि शाम के दर्शन रहेंगे वहाँ के। तो भाई धूप से बचना पड़ेगा, मतलब बच जाएंगे क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात आती है खाने की, अभी खाना खा के जस्ट निकले थे, खाना टेस्टी है, हमने डोसे खाए थे, तो पनीर डोसा मसाला डोसा मंगाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी, है ना, तो टेस्ट इज़ मतलब गुड, मज़ा आ गया टेस्ट के अंदर, कोई भी कमी नहीं है, है ना। तो अब निकलते हैं यहाँ से भाई, माता रानी का नाम लेके सामान लोड करना है और फिर सीधे चलना है। तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं सीधे गोल्डन टेम्पल और यहाँ से डिस्टेंस है 260 किलोमीटर, अराइवल टाइम दिखा रहा है 6 बजे, जिसमें कि 7 ही बज जाएंगे हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। बाकी जय माता दी, यहाँ से चल रहे हैं हम वापस, दर्शन बहुत अच्छे हुए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, खाना भी अच्छा था, अच्छा एडवेंचर रहा। एडवेंचर क्या, दर्शन अच्छे रहे, दर्शन बहुत अच्छे रहे, लेकिन बीच माँ के दर्शन बहुत बढ़िया रहे, था वो भी बढ़िया, एडवेंचरस एडवेंचरस रहा जो यात्रा का, मतलब जून में से निकलना, शिवखोड़ी गुफा से निकलना, वो एक एडवेंचर ही था भाई, प्रभु की बड़ी कृपा है। आपके फर्स्ट टाइम दर्शन थे, आपको कैसा रहा? मुझे तो सबसे अच्छा लगा, है ना, इनकी वजह से, मतलब सब भाई सब आए थे। अर्थक्वारी हम जो है ना, गर्भजून की गुफा हम काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे, लेकिन इनके साथ हम लोगों ने आज पहली बार किया, कभी बचपन में किया था। पता है जब हमारे पीछे कोई नहीं था तो मुझे ये लग रहा था कि अब हमारे दर्शन ना यहाँ पे आराम से रुक के होंगे, पता लगा हमारे पीछे 4 आदमी हो रहा है। मैंने कहा बे यार हम कम से कम 2-4 मिनट रुक जाते, पर पता है उस वाली गुफा से घुसने का एक फ़ायदा, वो भी कह रहे थे नीचे जब हम लोग आए थे, कह रहे थे कि आपने वो वाली गुफा देखी पुरानी वाली, जो आगे वाली गुफा है उससे पुरानी वाली गुफा नहीं दिख रही पापा, जिस गुफा से हम गए थे उस गुफा से दिख रही थी बस, और प्रॉपर अंदर तक पूरी दिखाई दे रही थी। हाँ चलो यार टाटा करते हैं इन पहाड़ों को, बहुत जल्दी दोबारा आएंगे, माता रानी ने चाहा तो, और माता रानी चाहेंगी क्यों नहीं भाई, जरूर चाहेंगी। आते हुए भी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे पूरा का पूरा ना एक्सप्रेस वे बन रहा है, 4-लेन एक्सप्रेस वे, 4 या 8 लेन, क्योंकि आई थिंक रोड चौड़ी हो रही है, ये दिल्ली से कटरा, अमृतसर अमृतसर से कटरा, सब जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये पूरा एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। सब जगह यहाँ पे पिलर्स वगैरह खड़े कर दिए हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं, इधर नीचे की तरफ भी आपको ये ट्रेन सी दिखाई दे रही होगी, है ना, कहीं ना कहीं ये इधर को एक्सटेंड करेंगे, कुछ पहाड़ काट के एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि इधर आगे सामने दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में ये आपको एक्सप्रेसवे और चौड़ा मिलने वाला है, जैसे मनाली शिमला इस तरह के हो गए ना,
और वैसे सच कोई रश तो रहता नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ महीने होते हैं जिनमें रश होता है। भाई ये पहाड़ जितने प्यारे हैं उतने ही थोड़े चक्कर वाले भी हैं, हर किसी को सूट नहीं करते ना, मतलब प्यारे तो बहुत लगते हैं पर थोड़ा थोड़ा ना जी घबरा जाता है। हमने जस्ट खाना खाया था, खाना खा के हम लोग चल पड़े। अब कभी मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन मम्मी को मैंने तरीका बताया कि रोड देखते रहो, अगर रोड देखते रहोगे तो तबीयत खराब नहीं होने की है। पीछे बैठ के एक तो वैसे भी जी में चलाता है। तो हम यहाँ पे भाई कहीं बीच में रुक गए, मुझे एक यही सही सी जगह दिखाई दी, यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, ये ढाबे का रेनोवेशन का काम चल रहा है इस समय, तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो अपनी यहीं गाड़ी पार्क करके अंदर कूलर में उनको लेटा दिया। मैंने कहा अपना आधा घंटा यहाँ पे आराम करो, आधा घंटा आराम करने से थोड़ा सही हो जाता है कि सही हो जाता है, जो एक वो होता है ना मैंने जी सा में चलाना होता है, कुछ होता है बाहर की खुली हवा में, वो एक बार ठीक हो जाता है, बाकी पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, प्लेन आ जाएगा, फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा। अपना सब इस तरीके से अपना खाट पे आराम कर रहे हैं, मम्मी भी लेट गई, मम्मी का भी थोड़ा सा हो रहा था, बहन भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, चलो आराम मिल जाएगा फिर चलेंगे यहाँ से। चलो भाई थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करके अब निकल चुके, और पहली टनल है ये जिसके अंदर हम चल रहे हैं इस समय। सामने है टनल, अरे इस पर टनल 3 क्यों लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, हम टनल 4 में हैं। हाँ बैकवर्ड है, अब ये टनल 3, देन इसके बाद टनल 2, वो थोड़ी आगे जाके, फिर टनल 1, फिर आएगा टोल टैक्स, जगह का नाम है बन। तो टोल टैक्स देने के बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे सीधे जम्मू, और जम्मू की हो रही है हालत ख़राब, इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ पे काम चल रहा है ना ये एक्सप्रेसवे का, भाई रोड्स बिल्कुल डैमेज हैं, बिल्कुल डैमेज। ये निकल गए बाहर, आने वाली होगी, अरे एक और आ गई भाई, एक और आ गई, टनल नंबर 2 भी आ गई, ये छोटी है, इसका तो आरंपार यहीं से दिख रहा है, वो रहा सामने। चलो जी टनल 2 बाय बाय, सी यू। सारी टनल ख़त्म हो गई भाई, अब बस ये जो सीन आ रहा है ना प्यारा सा, इसे क्रॉस करने के बाद अपना टोल टैक्स आएगा 500 मीटर, यहाँ से दे रखा है 500 मीटर बाद बन टोल टैक्स, और हम इस रोड से सीधे कनेक्ट होंगे श्रीनगर हाईवे पे, लेकिन हम लोग जाएंगे जम्मू, और जो लेफ्ट हो जाएंगे वो चले जाएंगे भाई सीधे श्रीनगर। लो भाई टोल टैक्स कहने की देरी थी, टोल टैक्स भी आ गया। थक गए पूरी तरह, थक गए। कथुआ भी यहाँ से काफ़ी दूर है जो मेन एंट्रेंस है जम्मू कश्मीर की, और बस थक गया था लगभग, मैंने गाड़ी चलाई है अराउंड जहाँ लास्ट रुका था ना 82 किलोमीटर के आसपास चलाई है, 2.5 घंटा हो गया। इसको लॉक करते हैं, ये कोई होटल है महावीर फास्ट फूड, चाय पियेंगे मस्त बिंदास वाली। अंदर भाई ये डल रखे हैं, ये मूड़े वगैरह बोलते हैं ना इनको, जो बांस के बनते हैं, वहाँ कूलर के मस्त आके बैठेंगे। ओए होए खटिया भी है यार, मैं तो लेट जाऊँ यहाँ पे आधा घंटा, मज़ा आ जाएगा। मैं फाइनली 4:45 हो रहे हैं अब, जम्मू कश्मीर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ये लास्ट टोल है जम्मू कश्मीर का, कथुआ है ये जगह, तो ये वो वाला टोल प्लाजा है, इसको क्रॉस करने के बाद अपना सीधा हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे। और यहाँ पे 2 घंटे 12 मिनट का रास्ता है, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसका मतलब ये है कि हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे। ये वाली जो रोड आ रही है ना ऊपर से, इससे हम लोग जाएंगे सीधे पंजाब में एंटर करेंगे, और ये है सामने आपका वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। जाते हुए हम यहाँ का फ़ोटो नहीं कर पाए थे, और ये महाराजा गुलाब सिंह जी की जो ये फ़ोटो लगी हुई है, मतलब स्टैचू लगा हुआ है। अब यहाँ पर सब लोग उतर गए ना, थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, अब जाते हुए कर नहीं पाए थे तो अब करेंगे, थोड़ा सा तो साइड में ही गाड़ी को लगा लिया कि भाई चलो गड्ढे से बचना है, गहरा भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं पानी का, क्या पता कैसा हो कुछ हो। तो भाई यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर कर आके अपना फिर चलते हैं वापस। चलो जी चलो, फाइनली पंजाब में हमने एंटर कर लिया, मतलब एंटर तो हमने तभी कर लिया था जब वो वाला सीन था, लेकिन ये चेक पोस्ट थी, गाड़ियाँ चेक हो रही हैं भाई, ऐसी 2-4 चेक पोस्ट अभी और आ चुकी हैं, ठीक है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी,
और यहाँ से अमृतसर है अभी 100 किलोमीटर पूरा, लेकिन ये हाईवे चल रहा है पूरा भाई, पूरा NH44 बेस्ट है। और मैंने जियो पे ही आते हुए टाइम तेल डलवाया था और जियो पे अभी डलवाया। बेनिफिट ये लगा कुछ पॉइंट्स देते हैं जो आगे रिडीम हो जाते हैं, तो क्वालिटी भी अब जैसी भी होगी वो है, लेकिन मतलब ओवरऑल मुझे एक जैसे कहते मन को अच्छा सा लगता है वो वाली चीज़ लगी थी, तो मैंने इसलिए वहाँ से डलवा लिया था। रोड्स एज यूजुअल प्यारी ही हैं, बस अब ढाबा ढूंढ रहे हैं, कहीं ढाबा वाबा मिले। टाइम हो गया बस 6:09 हैं, कोई मस्त ढाबा दिखेगा तो भाई खाना वाना खाएंगे। सोचा था 5-5.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन रुकते रुकाते पहुँचते तो टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। एनीवेज चलते हैं, आज रात को दर्शन करेंगे दिले पंजाब। भाई इंतज़ार करने के बाद एक कुछ बढ़िया सी आइटम सा दिखाई दिया है दिले पंजाब करके, ये हट करके है कुछ। अब यहीं पार्क करके देखते हैं कैसा होटल है, ये होटल है या क्या है, मतलब खाने पीने ढाबा टाइप्स है। एसी तो नहीं होगा इसमें, एसी रूम है तो सही अंदर को। ये है दिल है दिले पंजाब, ये पड़ेगा इसमें, नंबर वंबर भी दे रखे हैं। फैमिली ढाबा है भाई, सेव कर लेना, पोज करके देख लेना इसको। ये दोनों नंबर हैं, गुरदासपुर से थोड़ा सा आगे करके है। ये देखो सब लोग भूख के मारे भाई पागल हुए पड़े हैं। सुबह खाया था हम लोगों ने 11-12 के आसपास। एंट्रेंस भी अच्छी है, नाइस हटनुमा टाइप्स बना रखा है। ये सब सेटिंग्स हैं, सामने एसी रूम्स भी बना रखे हैं, उधर भी है। अरे वाह यार, छोटी छोटी हट्स, इसमें नहीं आए हम लोग पहले, कोई नहीं, इस तरीके से हट्स वगैरह बना बनू के भाई बहुत प्यारी चीज़ बना रखी है। ये आई थिंक 3-4 जनों की हट बना रखी है। अंदर भी है कोई, है कोई अंदर? अबे तो रूम्स टाइप्स हैं यार, यहाँ पे भाई शायद थोड़ी बहुत देर आराम कर सकते हैं। मे भी शायद आराम वराम के लिए भी है क्या ये? कुल मिला के अच्छा सा लग रहा है, पर्सनल फ्रिज भी है इसमें यार। चलो देखते हैं रेट्स वेट्स देखते हैं। ये क्या है? ये तो छोले हैं, ये पनीर टिक्का लबाबदार है, मस्त लग रहा है ना। और ये दाल क्या मस्त लग रही है भाई, दाल तड़का। ये लहसुन की चटनी, ये प्याज जो ऑब्वियसली मिलती है, ये हमारी माता जो वैष्णो देवी के बाद प्याज नहीं खाएंगे, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे तब घर जाके प्याज खाएंगे। भाई अभी भी 25 मिनट का रास्ता बचा है, 11 किलोमीटर बच रहे हैं और टाइम हो गया 8:06। हम लोगों को कम से कम 1 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए, और खाना वाना खाया था हमने, उसके बाद निकल गए थे हम लोग। खाना बहुत टेस्टी था यार वहाँ का, क्यों आस्था मैन? हाँ, बहुत अच्छा था। खाना बहुत टेस्टी था। जाप में तो कहीं भी खाना खा लो, बढ़िया ही होता है। एक नंबर खाना था, मतलब उन्होंने 3 तरह की सब्जी मंगाई थी, मजा आ गया था। नए ढाबा खुला था दिले पंजाब, लेकिन खाना का जो मतलब वो था बहुत अच्छा था, टेस्टी था खाना, बढ़िया था। कितने रेट करोगे? 10 में से 10 ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, खाने को देखते हुए। प्रेजेंटेशन भी ठीक थी, अब जैसे जैसे उन्होंने स्टार्टिंग किया उस हिसाब से अच्छा था। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि नीट एंड क्लीन हो, खाना अच्छा हो तो सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। तो बता बहन, खाना बहुत टेस्टी था, पंजाब है तो ऑब्वियसली अच्छे से खाना करते हैं ये लोग, और नया ही बना है तो अच्छा ही था। अब तो सिर्फ ये है कि अमृतसर की तरफ आए थे तो लगा कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर भी घूमते हुए जाए, क्योंकि फिर वापस आया नहीं जाता ना इस वजह से। अब ये है कि अपना यहाँ पे गोल्डन टेम्पल देखते हुए चलेंगे वापस। जलिया वाला मतलब जो बाग है उसको देखने की बहुत इच्छा, लेकिन अभी टाइमिंग का नहीं पता कि वो कितने बजे तक खुलता है, जैसा भी होगा बता देंगे, कल बताएंगे। चलो यार बस अब वेट है, रूम देखना है और रूम के साथ साथ जलिए मतलब वो गोल्डन टेम्पल में अपने दर्शन करके आने हैं। दैट्स इट, थक गए हैं बाकी बुरी तरीके से। तो भाई 8:30 हैं और अब जाके हम पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए। पिछली बार जब आए थे तब तो बिल्कुल रात को आए थे तो खाली खाली था, इस बार तो ये पूरा मार्केट एरिया है ना, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। बट आई थिंक यही गेट है जो सामने अपने दिखाई दे रहा है, ये है आपका
पार्टीशन म्यूजियम भी है यहाँ पे। सीधे आपको ले लो बेटा। वाओ है ना। हाँ ये है आपका रंगे पंजाब। भाई झूमर कितने मस्त लगा रखे हैं सामने वहाँ पे। गजब। पहले नहीं थे। नहीं पहले भी होंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। ये म्यूजियम है दे, इसको ये बंद, पिछली बार तो बंद था ये जब हम आए थे। कोरोना का भी तो चक्कर था ना। हाँ। सारी चीजों का। पापा होटल वगैरह इस समय यही देखने पड़ेंगे। हाँ भाई फाइनली होटल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है अब सेकंड फ्लोर पे हमने वही फोर बेड वाला रूम लिया है। थक रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। 9 बज गए लगभग। 1 घंटा आराम करेंगे या 2 घंटा आराम करेंगे फिर जाएंगे गोल्डन टेम्पल दर्शन करने। जलिया वाला पार्क बंद हो गया, सुबह 8 बजे खुलेगा तो कोशिश करेंगे सुबह ही। अब ये वाला जो फ्लोर है ना ये स्पेशली हमारे लिए रिजर्व है। सेकंड फ्लोर है, इस फ्लोर पे कोई भी रूम नहीं है। अरे रुक जा भाई मुझे निकलने दे। तो ये अपना रूम है। देखो चाबी भारी छोड़ दी घर वालों ने, थके हुए इतने हैं। ये रूम है अपना, ये लॉबी टाइप से। और भाई उधर वो हो गया और ये इधर वॉशरूम हो गया।